से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। महाराष्ट्रामध्ये शहीद झाल्यानंतर सैनिकाला फक्त 8.5 लाख रुपये मिळतात। सैनिकाची व्यथा पैशाची नाही। हा सैनिक देशासाठी बलिदान करतो, अंगावर गोळ्या झेलतो। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की आमचे पूर्व सैनिक असतील, आमचे शहीद परिवार असतील, आपण आज या मंचावरून 8.5 लाखाच्या ऐवजी किमान 25 लाखाची घोषणा आमच्या शहीद परिवारासाठी करावी अशी आमची विनंती आहे। वैसे तो शहीदों की शहादत का कोई मोल नहीं होता, पर आज मैं घोषित करता हूं, आपने जिस प्रकार से मांग की है, हमारे शहीदों के परिवारों को महाराष्ट्र की सरकार 25 लाख रुपए देगी। हिंद। माझी एकच मागणी आहे, जे मागच्या वर्षी आपण 25 लाख रुपये केलेत ते या वर्षी आमच्या शहीद परिवारासाठी आपण 50 लाख रुपये करावे अशी माझी मागणी आपल्या समोर आहे। सुनील राणे जी ने यहां पर ये कहा कि पिछले साल हमने उसको 25 लाख किया, और आज मैं निश्चित ये घोषणा करता हूं कि हमारे शहीदों को, उनके परिवारों को अब हम 50 लाख रुपया यह महाराष्ट्र में निश्चित रूप से देंगे। भारत माता की। मुझे याद है 1999 में जब कारगिल का विजय दिवस पहले बार मनाया गया था, मुंबई शहर में यात्रा निकाली थी, और उसी समय नागपुर और विदर्भ में भी एक युवक इस यात्रा को चला रहा था जोर शोर से सैनिकों के सम्मान में। तभी का युवक ये आज के हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस। सुनील राणे जी ने अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से जो हमारे शहीद सैनिक है उनके परिवारों को जो हम लोग मदद करते हैं, महाराष्ट्र में पहले केवल 5 लाख मिलते थे, मैं आया तुरंत 8 लाख किए, उसके बाद हमने 25 लाख किए, फिर 50 लाख किए, और फिर 1 करोड़ किए। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये करने की प्रेरणा अगर मुझे कहीं मिली तो सुनील राणे जी के कार्यक्रम में। देशभक्ति, देश प्रेम, उसका उदाहरण अगर जिंदा कोई है तो वो अपना सैनिक होता है जो कारगिल के युद्ध में लड़ते हुए वापस आया।